मेरी पिताजी की पार्टी में गरिमा थी, उनका वो जो पद प्रतिष्ठा थी उसको धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। स्मारक उनका बनना था, आज धूल खा रहा। लोग उसको जोशी जी का स्मारक कहने के बजाय जोशी जी का खंडर कहने लगे। शिवराज जी अक्सर कहते कमलनाथ जी को जाओ जाओ जाओ। मैं शिवराज जी को कहता हूँ शिवराज जी आप भी तो कहते हो कर देंगे कर देंगे कर देंगे। कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि कम से कम हमको ये पार्टी छोड़ देना। पिताजी के सम्मान की लड़ाई में अंतिम दम तक लड़ूंगा। पार्टी चाहती है तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए शहर तैयार हूँ। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है माओ सचिन चौधरी। एक बहुत पुरानी कहावत है बुंदेलखंड की के खुद की टांग गरे में बिद गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगे जो ही हाल हो रहा है खुद की टांग गरे में बिदत दिखा रही है। काय के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों को ले के सरकार तो बना ली थी, तीन साल सरकार भी चल गई, लेकिन अब चुनाव के टाइम पे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मुसीबत बन रहे हैं। काहे के भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, मूल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वे अब परेशान हैं, बेचैन हैं और कांग्रेस को रुख करन लगे हैं। और यही कड़ी में सबसे बड़ो नाम सामने आओ है दीपक जोशी को। जी हाँ, दीपक जोशी वे व्यक्ति हैं जो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक तो हैं, लेकिन उनके संगे जो बड़ो नाम जुड़े हैं वह है स्वर्गीय कैलाश जोशी को। कैलाश जोशी मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाते, भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों में से एक माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और कैलाश जोशी की अपनी एक अद्भुत शानदार स्वच्छ छवि रही। लेकिन इसके बाद भी इस परिवार की विरासत को छोड़ के अब दीपक जोशी चले हैं कांग्रेस की ओर और काय जावे पे मजबूर हैं। आप जरा सुनो खुद दीपक जोशी से। देखिए, मेरे अपने साथियों के साथ बहुत से वरिष्ठ लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद मेरी पिताजी की एक जो पार्टी में गरिमा थी, उनका वो जो पद प्रतिष्ठा थी उसको धूमिल करने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। जो स्मारक उनका बनना था आज धूल खा रहा। लोग उसको जोशी जी का स्मारक कहने के बजाय जोशी जी का खंडर कहने लगे। कुछ जगह नामकरण होना था, लगातार जिम्मेदारों से संगठन के पदाधिकारियों से बात करने के बाद हाँ कर देंगे हाँ कर देंगे हाँ कर देंगे। शिवराज जी अक्सर कहते कमलनाथ जी को जाओ जाओ जाओ। मैं शिवराज जी को कहता हूँ शिवराज जी आप भी तो कहते हो कर देंगे कर देंगे कर देंगे। एक बार उन्होंने बोल भी दिया था, इसके बाद जब परिणाम नहीं आया तो मेरा मन कहने का विचलित हुआ। और कुछ साथियों से चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि कम से कम हमको ये पार्टी छोड़ देना था। लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद कुछ लोगों ने मुझे एहसास कराया कि जब माननीय पिताजी की मृत्यु हुई थी तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन सिंह जी वर्मा, आरिफ अकील जी, पीसी शर्मा जी, ये सब उस वक्त मेरे घर पधारे थे। और माननीय कमलनाथ जी ने कहा था कि कहाँ अंत्येष्टि करना चाहते हैं तो वहाँ हम व्यवस्था करेंगे सरकार की तरफ से। तो हमने कहा हटिया में ही होगी, तो उन्हें हटिया में कहा होगी, तो हमने कहा हटिया में उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तो शमशान में ही करेंगे। बोले नहीं, जोशी जी की शमशान में नहीं होना चाहिए, वो हमारे प्रदेश की गरिमा है, गौरव है, उसको हमको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ एक स्मारक बन जाए, लोगों को यादगार रहे। इस नाते से आप मुझे स्थान बताइए, मैं आपको ज़मीन दूँगा। तो हमने 4-5 घंटे में ज़मीन सर्च करी, ज़मीन उनको बताई कि ये ज़मीन सरकारी है हटिया में। उन्होंने तत्काल वही बहुत कीमती ज़मीन लगभग 80,000 स्क्वायर फीट की आवंटित की और वहाँ पर उन्होंने घोषणा की थी कि स्मारक भी मैं बनाऊँगा। सरकार परिवर्तित हुई, सरकार परिवर्तन के साथ शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके स्मारक का भूमि पूजन हुआ, मूर्ति का अनावरण हुआ। लेकिन उसके बाद माननीय शिवराज जी शायद इस चीज़ को भूल गए। बार बार याद दिलाने के बाद 2-4 ईंटें लगती थी, लेकिन नगर पालिका बनने के बाद वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग थे उनको कमीशन चाहिए। ठेकेदार ने कहा मैं कमीशन दे नहीं सकता, इसलिए मैं काम बंद करूँगा। हमने लगातार कोशिश की कि बिना कमीशन काम हो जाए। जिलाध्यक्ष भाजपा को कम से कम 10 बार मैंने अवगत कराया, घर ले जाके अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। तब मेरा मानस बना कि जिस व्यक्ति ने माननीय जोशी जी का सम्मान किया उस व्यक्ति के साथ मुझे मदद उनका उस सम्मान का कुछ न कुछ मुझे देना चाहिए। इस नाते से मैं उनसे अनुरोध किया था कि मुझे आप अपने साथ जोड़े ताकि मैं जो शेष समय है वो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। जो संगठन मुझे जिम्मेदारी देगा उसे मैं पूरा करूँगा। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूँ कि मैं कोई सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मेरे सम्मान की पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा।
लेकिन पिताजी के सम्मान की लड़ाई में अंतिम दम तक लड़ूंगा। मैं माननीय कमलनाथ जी से भी चाहूँगा कि जो अधूरा स्मारक है उसको वो, क्योंकि सरकार मेरे ख्याल से 100% कमलनाथ जी की आ रही है, उनके नेतृत्व में हम उस स्मारक को पूरा करें, और पूरा करने के बाद जो पापा जी जो पिताजी के अधूरे काम हैं बागली और संपूर्ण देवास जिले में उसको पूरा करें। कांग्रेस को जो हमारे साथी लोग थे जिनके माध्यम से मैंने माननीय कमलनाथ जी से चर्चा की थी, उनको स्पष्ट अवगत करा दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता, न राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहता, ना आपके संगठन का कोई पद चाहता हूँ। मैं अगर पार्टी चाहती है तो मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने के लिए शहर तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले बता दिया। असंख्य कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या नहीं है, इस नाते से मैं नहीं कह सकता। आज की तारीख में मैं स्वयं आप दीपक जोशी, जो कि माननीय कैलाश जोशी जी का पुत्र है, वो अपने कुछ साथियों के साथ, क्योंकि बागली हमारी आदिवासी भाइयों का है, कुछ आदिवासी भाइयों के साथ, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि जोशी जी हमेशा सादगी पसंद रहे हैं, और सादगी पसंद होने के नाते हमने तय किया कि हम कोई लाव लश्कर लेके नहीं जाएंगे। लाव लश्कर को हम दिखावा जब करेंगे तो स्थानों पर करेंगे, उदयनगर में हम करेंगे, पुंजापुरा में करेंगे, बरोठा में करेंगे, सिरोलिया में करेंगे, गहलोत में करेंगे, खातीगांव में करेंगे, कन्नौज में करेंगे, देवास में करेंगे, सोनकच में करेंगे, लेकिन हम उन कार्यकर्ताओं को ये बोझ नहीं डालना था कि, क्योंकि 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा एक कार्यकर्ता पर होता है। जोशी जी हमेशा कोई भी कार्यकर्ता वहाँ आता था सबसे पहले पूछते थे क्यों आए, वो कहता था इसलिए आए, तो वो कहते थे कि फ़ोन क्यों नहीं लगाया, इसके लिए यहाँ नहीं, खर्चा क्यों किया तुमने, खर्चा क्यों किया, खर्चे को लेकर हमेशा चिंतित थे। इसलिए मेरे ख्याल से उनके सम्मान को जिंदा रखने के लिए उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कार्यकर्ताओं को अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहता। एक प्रतीक स्वरूप जिस बंगले को मैंने छोड़ दिया, उस बंगले से उनकी तस्वीर लेकर मैं पैदल ही अपने कुछ साथियों के साथ माननीय कमलनाथ जी के बंगले तक जाऊंगा, या जो संगठन व्यवस्था देगा वहाँ तक जाकर उस प्रतीक फोटो को उनको समर्पित करूंगा और कहूंगा कि ये जो ईमानदारी है इसको सहेजने का काम अब आपके पास है, आपके जिम्मे है, आप इसको सहेजने का काम करें। देखिए पार्टी में जो माहौल है उसको देख के लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की रीति परंपरा सब बदल गई। मैं जानता हूँ कि नए को मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए के नाम पे तुम अंधाधुंध काम करो। आज आईपीएल आप देख रहे हो, धोनी उससे रिटायर हो गए, लेकिन आईपीएल में खेल रहा कि नहीं खेल रहा? हमारे बहुत से लोग हैं जो खिलाड़ी, कभी जैसे बहुत से खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे हैं आज नहीं खेल रहे। मैं खिलाड़ी के तौर पर कह सकता हूँ कि जिनमें दम होना चाहिए उनका कहने का ही परफॉर्मेंस तो दिखना चाहिए ना। आप उनको परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयारी में, भोपाल का जो बीजेपी संगठन है मुझे किसी बैठक में नहीं बुलाता, किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आके भोपाल देवास से या देवास जिले से आके चले जाते मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता। प्रशासन द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम कोई आतंकवादी देश पाकिस्तान से आ गए हों, हम किसी पर कार्रवाई की कहते तो वो करते नहीं है। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूँ दावे से, देवास की पुलिस और इनके थानों ने मुझे तक को फंसाने की कोशिश की है। इसका प्रमाण मैं सब प्रमाण दूंगा जब आएगा तब, कमलनाथ जी के माध्यम से विधानसभा में माननीय नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से उठाने का प्रयत्न करूंगा, नहीं तो कोर्ट में जाऊंगा, जिसके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूंगा कि मुझे फंसाने की पुलिस द्वारा साजिश की गई। ये मैं स्पष्ट आपको बताऊँ, मेरे को जो लगता है 100% जनता कहीं ना कहीं व्यथित है भ्रष्टाचार से। इतना भयंकर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के साथ चुन चुन के जो आतंकवादी परंपरा अपने ही लोगों के खिलाफ अपने ही संगठन द्वारा रचित की जा रही है, जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ, मैं खुद जानता हूँ कि मुझे एक आतंकवादी जैसा देखा जा रहा है पूरे देवास जिले के परिदृश्य में। जिलाध्यक्ष फट से फ़ोन लगाता है कि ये आतंकवादी आ रहा है, इसको रोको, इसके साथ नहीं जाना है। जब कोई दूसरा काम कार्यकर्ता कहता तो उसको शाबाशी दी जाती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और जब मेरा कोई कार्यकर्ता कहता तो उसको नोटिस दिया जाता है कि तेरे को किया जाएगा। इसका सीधा साधा उदाहरण हमारा चंदाना मंडल का अध्यक्ष पवन सिंह राज वो है चंदाना, जिसको कि बिना नोटिस दिए, बिना उसके कहे, और ऊपर के हुक्मरानों ने बिना पूछे बिना संचय समझे उसको हटा दिया। अरे मुझे तो इन हुक्मरानों से आपके माध्यम से एक सवाल करना है कि जिसको आपने 6 साल के लिए निकाला आपने, कि आप डिफाल्टर हो, उस डिफाल्टर को आप 1.5 साल बाद गले लगाते हो, माला डालते हो, और उस कार्यकर्ता को जो जनसंघ के ज़माने से बिना जाति धर्म के आधार पर काम करता था उसको आपने दूध में मक्खी जैसा निकाल के फेंक दिया, क्या ये आपका सम्मान है? इसलिए कार्यकर्ताओं का अपमान करने वाली और इस प्रकार की पार्टी का मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाएगी। हम सम्मान के साथ लड़ेंगे और सत्ता में आए। अब दीपक जोशी को कांग्रेस में जाबो एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि
या वह घटना है जो मध्य प्रदेश की अगले 6 महीना में सियासत तय करे। काय के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सरकार बन गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता में बेचैनी है। काय के जगह जगह टिकट को लेख के असमंजस की स्थिति है और सब खोचोई लग रहा हो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायक टिकट वितरण में भी जो है बाजी मान ले जे हैं, बड़े साबित हुई हैं। और भाजपा के मूल व्यक्ति जिनने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीना से सींचे हुए और उनमें भी कैलाश जोशी जैसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा और विजयाराजे सिंधिया के कद के माने जाते हैं, जिनने कुशाभा ठाकरे के संग मिलकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गढ़े हैं, अगर वो परिवार के बेटा दीपक जोशी अपने पिताजी के अपमान और अपने क्षेत्र में अपनी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को मुद्दा बना के पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, तो फिर बड़ी बात है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेताओं की फौज उतरी कि दीपक जोशी को कोनो भी तरीके से रोके जा सके, लेकिन दीपक जोशी तो रुकबे को तैयार नहीं है और वे कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। कि मैं किसी बात को लेकर नहीं गया, ना मुझे पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना कोई अन्य चीज़ चाहिए। मेरे पिता के साथ जो अपमानजनक व्यवहार इस पार्टी द्वारा किया गया, उसके लिए मैं बहुत दुखी था। मन से लगातार संगठन के माननीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराता रहा, लेकिन सुनी अनसुनी करने के बाद शायद मुझे लगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए ज़्यादा उचित मार्गदर्शक रहेगा, नेतृत्वकर्ता रहेगा, जिसने मेरे कंधे पर मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने मुझे बोला था कि दीपक क्या चाहते हो, कैसे उनकी अंत्येष्टि करना चाहते हो। मैंने सर हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है, कोई ऐसा वो व्यवस्था भी नहीं, हमारे पिताजी ने नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा तुम ज़मीन देख लो, हम ज़मीन वहाँ पे करते हैं और अच्छी ज़मीन देखो कि वहाँ स्मारक भी बनाया जाए। तत्काल उन्होंने हमसे वो ज़मीन का जो जैसे ही उनके पास आया, उन्होंने 3 मिनट के अंदर वो ज़मीन आवंटित कर दी थी और अंत्येष्टि की व्यवस्था भी की थी। माननीय सज्जन वर्मा जी प्रदेश के मंत्री होने के नाते वहाँ उपस्थित थे और काफ़ी संख्या में लोग जो कांग्रेस जन थे वो भी उपस्थित थे। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जो बात उनके साथ हुई है, तो मुझे लगता है कमलनाथ जी ने मेरे परिवार को प्रतिष्ठित करने की जो व्यवस्था की थी, उसके लिए मैं आज आभार के रूप में उनके साथ जाना चाहता हूँ। मैंने परसों से ही बोल दिया कि अब सब चीज़ खत्म, आप अटल रहेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। दीपक जोशी के कांग्रेस पार्टी में जावे से भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता निराश हैं और वे सोशल मीडिया पर भी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। काहे कि उन्हें पता है कि जब जड़ कमजोर हो तो फिर वृक्ष भी हिलन डोलन लगत है। राम राम। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।